बाहर अंदर नहीं बाहर मैम बाहर इधर ही बाहर बाइट करेंगे ना इधर मैडम मैडम साइड मैडम मनीषा जी इधर इधर खड़ा कर दो दादा हाँ दादा इधर दादा इधर खड़ा करो पब्लिक को रोक दो ए किशन किशन यहाँ भाग के मत ले लो उनका ले लो दादा लेके आओ ना इधर मनीषा जी इधर इसका हाथ आ रहा है मनीषा जी इधर आओ मनीषा जी इधर मनीषा जी इधर बस बस रुकिए मैम बस पीछे हो पीछे हो पीछे हो मनीषा जी सामने के बस मनीषा जी यहाँ पे मनीषा जी बिग बॉस खत्म हो गया है लाइफ चेंज हो रही है काफी बोल दिया तुम रुक यार रुक जाए एक सेकंड मनीषा जी आ रहे हैं पहले हम चैनल आ रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और आज मेरा 7 मिलियन भी कंप्लीट हो गया क्या बात कांग्रेस तो जस्ट बिकॉज आप लोग से इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है पूरे ऑडियंस से इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है और मेरे फॉलोअर्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं तो आप लोग ऐसे ही प्यार कीजिए सपोर्ट कीजिए और मनीषा रानी को लाइफ कितनी चेंज लग रही है बिग बॉस के घर के बाद बस ये सब चेंज ही है बिग बॉस के पहले ये सब नहीं होता था मतलब फेमस थे कुछ लोग आगे सेल्फी लेते थे बट ऐसा वाला नजारा नहीं होता था तो यही लाइफ चेंज हो गया अभिषेक अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो रखे अभिषेक हाँ। कुछ या फिर उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो क्या उनसे आपकी बात हुई है अभी हम हॉस्पिटल से मिलके ही आ रहे हैं तो अभी वो पहले से बहुत सही है और शायद एक दो दिन में वो ठीक हो जाएगा और बिग बॉस के घर से जो विनर निकले एल्विश उनसे बात हुई है जीतने के बाद हाँ एल्विश से हमारी मैसेज पे एक दो बार बात हुई है बट वो बहुत ज्यादा बिजी है और थोड़ा हम भी बिजी तो अभी इतना ज्यादा बात नहीं हुआ पूजा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे पूजा जी पूजा के जैसा ना कोई दूजा यही बोलेगा और क्या और बेबी का के बारे में क्या कहना चाहेंगे बेबी का मस्त है ठीक है जैसे भी है बट अभी मेरा उन लोग से इतना कॉन्टेक्ट नहीं है किसी से भी तो इसलिए भी हम ज्यादा नहीं बोल सकते तो क्या आप अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में नेक्स्ट क्या दिखोगे बस आगे आगे कहीं ना कहीं दिख जाएंगे आपको शायद बहुत जल्दी टोनी कक्कर के साथ एल्बम में आप लोग मुझे देखें मनीषा जी विश के लिए दो लाइन यार अरे मंचले जी आपके बिना थोड़ी थोड़ी अधूरी है मनीषा जी भुवनेश्वरी बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ वाइल्ड कार्ड हिस्ट्री से जीता एल्विश तो क्या कहना चाहिए बहुत खुश है क्योंकि आई थिंक जो हिस्ट्री रिकॉर्ड एल्विश ने बनाया शायद कोई और आके नहीं बना पाता उसके सिस्टम में बहुत दम था इसलिए वो जीता है और हम बहुत खुश है कि एल्विश जीता क्या आपको ऐसा लगता है कोई और हकदार था और ट्रॉफी अंपायर हुआ ऐसा अभिषेक भी जीत सकता था चाहे तो आप भी जीत सकते ऑफकोर्स अभिषेक मेरे लिए ऑलरेडी विनर है क्योंकि उसने बहुत अच्छा खेला पूरा सीजन बट फिर एल्विश भी कम नहीं है तो ऐसा नहीं है मेरे लिए तो दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त है तो एल्विश भी जीता तो हम बहुत खुश है बट नो डाउट अभिषेक तो ऑलरेडी विनर है उसने बहुत लोगों का दिल जीता तो मेरे लिए वो तो बस ही है मनीषा जी वेट वेट विजुअल कर दो विजुअल पापा के साथ विजुअल पप्पा जी भाई 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 साहब पीछे जा पीछे जा रहे भाई अंकल जी आप बताइए कितना खुश हो बेटे बिग बॉस में इतना नाम करके आई है अरे पीछे जाओ किशन धक्का मत दे पापा का दिल गार्डन गार्डन हो गया अरे रुक जा पापा को क्या ही चाहिए वायरल हो गया मेरा पापा रुको 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 चलो मनीषा जी मनीषा जी मैडम बताओ बचाओ मनीषा जी दादा बचाओ मनीषा जी दादा एक